हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइस ब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। आज हम बात करेंगे पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 4419, फर्स्ट सपोर्ट 4357, सेकंड सपोर्ट 4311, थर्ड सपोर्ट 4249, फर्स्ट रेजिस्टेंस 4465, second resistance 4527, third 4573। तो ये आप देख सकते हैं डेली क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने ये बताया था आपको, डाउन डेली में डाउन टेन प्लेस हुआ है। तो डाउन टेन का रेजिस्टेंस कहाँ है, सॉरी सपोर्ट। तो यहाँ पे जो मार्केट आज ओपन हुआ है, यहाँ पे एक हमें सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, मैंने वीकली में लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एक दिया हुआ है सपोर्टिंग लाइन, जो मूविंग एवरेज होता है वहाँ पे, और थर्ड एक रेजिस्टेंस भी दे दिया मैंने, और फोर्थ एक सपोर्ट, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे 150 100, और ये जो पहले हायर पॉइंट था इसका मैंने कनेक्ट करके एक वीकली में एक सपोर्टिंग रेंज निकाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट। तो जैसे आपको बताया था मैंने, ये 200 क्रॉस हुआ है और ये 150 को 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया हुआ है, तो उसका साइन है ये, क्या ये डाउन टेन है, डाउन टेन प्लेस हुआ है मार्केट। तो यहाँ से ये कंफर्म किया हुआ है, लेकिन डाउन टेन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टिंग रेंज, यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन दे सकता है, ठीक है। ये 4 आवर हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 आवर में, तो क्लियरली आप देख सकते हैं 1 आवर में क्लियरली ये डाउन टेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 और 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से 20 और 50 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया। तो इसको देखिए, आप पहले जो लोअर हाई था प्रीवियस डे, तो इसको अगर ब्रेक करके ये लेवल 4279 को ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट मुझे लगता है मार्केट 4106 तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये नेक्स्ट है सपोर्टिंग लेवल अकॉर्डिंग टू वीकली 100 मूविंग एवरेज, राइट। तो इसको ब्रेक किया तो 150 मूविंग एवरेज वीकली जो सपोर्टिंग रेंज वहाँ तक आ सकता है। तो पहले आप थोड़ा देर देखना चाहिए मार्केट थोड़ा प्राइस गैप डाउन हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्राइस थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे आप सेल करेंगे तो मार्केट 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज इसका बहुत ऊपर में है, फिर प्राइस ऊपर खींच सकता है ऊपर के लिए। तो इसलिए आप ये रीजन में सेल नहीं लेना चाहिए, लेकिन डाउन ट्रेंड ही है, सेल नहीं यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ है, तो उसको ब्रेकआउट करने दीजिए। अगर ये थोड़ा करेक्शन नहीं हुआ तो उसको ब्रेकआउट करने दे दीजिए 4279, तो उसका बाद आप सेल जा सकता है, और 5 मिनट में भी देख सकता है ये थोड़ा कल थोड़ा अप ट्रेंड में था, लेकिन आज पूरा मार्केट नीचे आ गया। तो थोड़ा अप ट्रेंड नहीं बोल सकता आप, इसमें प्राइस कंसोलिडेशन में था, जो साइडवे होता है ना, इसमें लोअर हाई लोअर लो बनाया, तो इसमें प्राइस ट्रैपिंग हो रहा है, एक ट्राइंगल शेप में हो रहा था, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस ट्रैपिंग हो रहा था कल ये जोन में, राइट, एक ट्राइंगल शेप बन गई है प्राइस ट्रैपिंग, उसका बाद इसको ब्रेकआउट करके कल मार्केट क्लोज हुआ। तो बाद में आज देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।